नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां, आज के क्या कुछ रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है रेट। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कितनी गाड़ी आई, जसकरण भाई साहब से क्या कुछ रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ी है जी मार्केट में, कहाँ कहाँ के आलू जी। राणा जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज जैसे अब जो हमारी रिपोर्ट बनती है मंडी की, उसके हिसाब से हम चलते हैं तो टोटल 123 गाड़ी की रिपोर्ट है। हाँ जी, 123 गाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, तो मोटा मोटा मान के चलो 50 गाड़ियाँ जो थी, 50-55 गाड़ियाँ वो कल की बैलेंस बच गई थी। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं राणा जी आज के माहौल के हिसाब से, तो आज आप थोड़ा दिखा सकते हो। हाँ जी, अब कई जगह पे कंफ्यूजन है, कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन आज है, लेकिन वो जो मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं तो रात को 9 बजे लेके रक्षाबंधन उन्होंने कल का दिन दिखाया हुआ है। अच्छा, पूर्णमासी कल की है, तो और कहते हैं कि जो रक्षाबंधन है ऑलमोस्ट पूर्णमासी के दिन आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो आज की जगह पे वो कल शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, आज रात को 9 बजे लेके मुहूर्त लोगों ने कल का निकाला हुआ है, लेकिन वही मंडी के अंदर जो माहौल है वो ऑलमोस्ट छुट्टी का माहौल थोड़ा बहुत दिख रहा है आज हमको। एक दिन पहले वो होता ही होता है जी, देखो त्योहार के दिन है, एक आध दिन पहले एक आध दिन बाद के अंदर ये माहौल हमको देखने को मिलता है। बाकी फिर भी जो ग्राहकी, हम ये नहीं कहेंगे ग्राहकी सुस्त है, ग्राहकी ठीक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत हल्की है। अच्छा, अगर हम आज के हिसाब से बात करते हैं, 123 गाड़ी कुल मंडी के अंदर आई हुई, अगर जिसमें से अगर हम बात करते हैं 3790 वगैरह के स्टोर के आलू की। अच्छा जी, जो उसकी अगर हम बात करते हैं उसमें आई है 49-50 गाड़ी। अच्छा, इसके अंदर आपका 3790 आपका आनंद, पुखराज, हाइब्रिड, मोहन, सारी वेरायटियां कवर हो जाती हैं। हाँ जी, जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट से आती हैं। अगर हम बात करते हैं यही सामने संभल से, तो संभल से जो चिप्सोना आ रहा है, सूर्य आ रहा है, आपका पुखराज आ रहा है हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं, 3790 आ रहा है, उसकी आ रही है 13-14 गाड़ी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं चंदौसी से, चंदौसी के चिप्सोना की, तो उसकी एज यूजुअल अराइवल जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, आज उसकी है 36-37 गाड़ी। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या की है 18-20 गाड़ी, 5-6 गाड़ी जो है वो है हमारे LR की। हाँ जी, अगर हाँ हम पंजाब के आलू की बात करते हैं, जो एक आध गाड़ी हमारे पास आती है कंपनी की, या जो मीठा आलू जूट वाला आता है पुखराज, हाँ उसकी हाँ भी एक आध गाड़ी आ रही है, और एक आध गाड़ी हमारे पास जो आ रही है वो हल्द्वानी की आ रही है। ठीक है, तो जी। कुल 50-55 गाड़ी के बैलेंस के साथ हमारे पास टोटल 123 गाड़ी जो है वो बनती है। हाँ जी राणा जी, अगर हम बात करते हैं आगे आलुओं की, मेरे पास ऑलमोस्ट आप दिखा सकते हो ऑलमोस्ट सारी वेरायटियों के आलू आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हाँ जी, ये चिप्सोने के गुल्ले हैं, ये सूर्या की गुल्ला है, ये लाल का गुल्ला है, ये चिप्सोने आलू है सारे चंदौसी के। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे चंदौसी बिसोली वजीरगंज के आलू पलटे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं राणा जी रेटों की, तो जो तो 3790 आलू है मंडी के अंदर, 3790 आलू जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट से आ रहा है, इससे 90-95% सूख के आ रहा है। अच्छा, और उसी की बिक्री है, गीले आलू की बिक्री जो है वो बहुत कम है। अच्छा, जो तो आलू चलनसार आलू है सूखे, उनकी जो रेंज है वो 500 रुपये से लेके 550 है, और जो आलू को हम कहते हैं जो बढ़िया, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जो अच्छे लोग उठा रहे हैं, अच्छे बड़े ग्राहक उठा रहे हैं, जिनको क्वालिटी का कहते हैं ना, जिनको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, VIP क्वालिटियाँ उठानी है, वो 550 से लेकर 600 रुपये तक का बाजार चल रहा है उन आलुओं का। अच्छा जी जी, अगर हम बात करते हैं यही हाइब्रिड वगैरह की, 302 की ख्याति वगैरह आलू की, इनकी जो रेंज चल रही है वो 450 से लेकर 500 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं ये आलू। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं राणा जी सामने ये चिप्सोने वगैरह की, तो एक तो ये चिप्सोने हैं जो आप दिखा सकते हो, ये चंदौसी बेल्ट के हैं, ये सारे इनके गुल्ले हैं, ये दोनों, ये साल में दो हमारे पास गाड़ियां आई हुई हैं। हाँ जी, ये सामने पीछे आप दिखा सकते हो माल उठ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक जो लॉट दे रखा है वो इसके अंदर एक जो लॉट बेचा है वो बेचा 700 रुपये का। हाँ, एक जो लॉट बेचा है वो बेचा 7.5-7.5 का। ठीक है, तो जो चंदौसी के चिप्सोने की जो रेंज है वो 700 रुपये से लेके 750 रुपये है। हाँ जी, हमारे कई व्यापारी फोन करते हैं, कहते हैं कि 800 रुपये बिकेगा नहीं बिकेगा, हम उनको एक ही चीज समझाना चाहते हैं, जो गाड़ियां मंडी के अंदर माशा कर उठा रहा है, या जो बिल्कुल कहते हैं ना, जो गाड़ियां रात को उठ जाती हैं हमारे आने से पहले, वो तो गाड़ियां 7:45 लग जाती हैं, जो गाड़ियां बिकने वाली हैं, जो आलू ज़्यादातर चिप्सोने जो मंडी में बिक रहे हैं वो 700 से लेकर 750 की रेंज में बिक रहे हैं, और जो थोड़ा जिसमें ज़्यादा कच्चा छिलका है वो 10-20 रुपये नीचे बिकते हैं। ठीक है जी, और यही अगर हम बात करते हैं चिप्सोने वन के अंदर, तो वो 7.5-7.5 रुपये बिक जाता है, बहुत VIP क्वालिटी 800 रुपये टच मार जाती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सामने जो आपके ये आगरा अलीगढ़ बेल्ट के चिप्सोने आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है वो मान के चलो 600 रुपये से लेकर 650 रुपये तक की रेंज में बिकते हैं। हाँ जी, बहुत VIP क्वालिटी 700 रुपये बिक जाती है। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या का एक लॉट राणा जी मेरे पास था, वो बिक गया पीछे। हाँ, उसका ये गुल्ला बचा है और ये सामने गोली बची है पीछे। हाँ जी, इन जो सूर्या का रेट है चंदौसी बेल्ट का, चंदौसी बिसोली वजीरगंज का,
उसकी जो रेंज है 800 रुपए से लेके 900 रुपए। अच्छा, बहुत इक्का दुक्का गाड़ी, बहुत VIP जो है वो 950 टच कर जाती है। हाँ जी, 1000 जो है इस टाइम पे टच कोई भी आलू नहीं कर रहा। अगर हम यही बात करते हैं सामने इनके गुल्लों वगैरह की, तो वो 700 से लेके 800 रुपए तक इसके गुल्ले बिक जाते हैं सूर्या के। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं चिप्सोनो के गुल्लों के बारे में, चंदोसी वगैरह के, इनके गुल्ले जो हैं वो 600 से लेके 650 रुपए तक इनके गुल्ले बिक जाते हैं। अगर हम यही आगे हम इसकी तरफ चलते हैं लाल आलू वगैरह की तरफ, जो लाल आलू अब ये डेयरी हम लोगों ने भर दी है, वो गार्ड माल सारा उतारते जा रहे हैं, जो पंजाब और यूपी से लाल उतर रहे हैं, हाँ वो उसकी जो रेंज है वो 600 से लेकर 650, जो 40 से जो 50 mm प्लस है, जो 60-70 mm प्लस चल रहे हैं वो 650 से लेकर 750 रुपए तक की उनकी रेंज है। ठीक है जी। जो ये आपके डीसा गुजरात वगैरह के आलू आ रहे हैं, हाँ जी, उनकी जो रेंज है वो 22 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक की रेंज है, जो बढ़िया छट्टे मोटे माल है। अगर हम बात करते हैं राणा जी हल्द्वानी वगैरह की, तो उनकी जो रेंज है आपको 1000 से लेकर 1200 रुपए तक, जो पंजाब के आलू आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो कहते हैं जो मीठे जूट के अंदर पुखराज है, उनकी रेंज है 300 से 400। और जो डायमंड आलू है, हमारे कई किसान भाई जो है बात करते हैं डायमंड के बारे में पंजाब से जो फोन करते हैं, हाँ जी, मैं बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायमंड जो आता है पंजाब की जगह का, जगराओं का हो गया, नाभे का हो गया, खन्ने का हो गया, जलंधर साइड का हो गया, डायमंड कोशिश करो राणा जी इसको ये वहीं बेच दो। डायमंड आलू पंजाब वाला यहाँ पे ना लाओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% यूपी के डायमंड आते हैं। ठीक है जी। वो थोड़े से तेज बिकते हैं, उसकी क्वालिटी हाई फाई होती है, सूख के मिट्टी मिट्टी लग के कहते हैं ना बिल्कुल लीपा पोथी होके आते हैं, हाँ तो वो बिक जाते हैं। इसके आगे पंजाब के डायमंड जो है उसका रंग भी काला होता है, प्लस वो गीले होते हैं, हरी जाली में होते हैं, वो बेचने मुश्किल होते हैं। तो आप LR वगैरह तो यहाँ पे जितना मर्जी भेज सकते हो, लेकिन जो डायमंड वगैरह है पंजाब साइड का, उसको कोशिश करके वहीं पे भेज दो, आसपास वहीं बिक जाएगा। यहाँ पे चंदोसी के, बिसोली के डायमंड आते हैं बढ़िया, जिसकी जो रेंज है, जिसकी उसका गुल्ला पलटा हुआ है। हाँ जी। इसके गुल्ले की जो रेंज है वो 600 से लेकर 700 रुपए तक की रेंज है। अगर हम बात करते हैं इसके आलू की, तो इसके आलू की जो रेंज है वो 800-850 रुपए तक की रेंज में है। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं यही फ्राई सोना की, तो फ्राई सोना की भी रेंज जो है वो 770-780 से लेकर 800-820-830 रुपए तक की रेंज है। तो राणा जी ये तो सारे आपको मैंने बता दिए रेट सारे जितने भी आलू मंडियों में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अब हम हालात की कुछ बात करते हैं, थोड़ा सा मैं हालात का बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास एक तो ये डंप हमारे पास उतरा हुआ है, ये 13,000 से 14,000 कट्टे उतरे हुए हैं। हाँ जी। जो पहले 17,000-17,500 कट्टे थे। अच्छा। हर बंदा अब यही कोशिश कर रहा है कि राणा जी इस डंप को जो है धीरे धीरे खत्म करे, क्योंकि ये डंप जितनी स्पीड से खत्म होता है उतनी जो है गाड़ियाँ इज्जत से बिकती हैं, उतनी गाड़ियाँ स्पीड से बिकती हैं, क्योंकि डंप जो है इसमें जो है 60-70% आलू डैमेज हो जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि नीचे उतरता है, और नीचे उतर के जो ग्राहक है वो बात लेने में कानाकानी करता है। मैंने देखा भी अभी आया ना मैं एक जगह से, प्लस मैं ये दुकान तो नहीं दिखाऊंगा, पर ये दिखाऊंगा जिसकी दुकान पे माल उतरा पड़ा ना, वो बिल्कुल बिल्कुल वो पानी छोड़ गया, आलू पानी चू गया राणा जी, बिल्कुल होता है जी, आप दिखा सकते हो हाइब्रिड आलू, बदबू उठा देगा जी वहां पर। सबसे बड़ी बात है ये तो हो गया हाइब्रिड आलू जो पानी छोड़ जाता है, जो सब मेजर जो चीज मारती है वो मारती है रेट की। अगर आज एक लॉट हमने गाड़ी के अंदर बेचा, एक लॉट मेरे पास आया 100 कट्टों का, 90 कट्टे उसमें गाड़ी में बिक गए, 10 कट्टे किसी रीजन से ग्राहक नहीं था या कुछ भी था या बारिश हो गई या कुछ भी, हम लोगों ने 10 कट्टे नीचे उतार दिए, बहुत मुश्किल होता है कि राणा जी वही रेट के ऊपर ग्राहक उन 10 कट्टों को भी ले ले। नहीं तो हमेशा जो बैलेंस आलू होता है उसको ग्राहक जो है 10-20 तोड़ के निकालता है। हाँ जी। और ये हम लोग तभी करते हैं जब या तो ग्राहक उसको नहीं पकड़ता आलू को, या फिर कोई लॉट ज्यादा हल्का होता है, या फिर कोई लॉट की ग्रेडिंग में उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग के अंदर कोई दिक्कत होती है, आलू में कोई मिठास होती है, या वो किसी की रीजन से वो आलू बिक नहीं पाता, इस चक्कर के अंदर हम उनको आलूओं को हमको नीचे उतारना पड़ता है, या फिर उस ग्राहक के उस रेट के हिसाब से वो आलू नहीं चल पाता तो वो आलू नीचे उतरते हैं, इस चक्कर में हमारा डंप जो है बढ़ता है। और मैक्सिमम जो डंप हमारा बढ़ा रहा है ये हाइब्रिड आलू बता रहा है। मैं राणा जी हाथ जोड़ के बार बार सबसे यही विनती करता हूँ, और आपको भी ये कहता हूँ, हमेशा अपने चैनल में यही चीज़ दिखाओ, हाइब्रिड आलू जो है ना यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बाकी आलूओं के ऊपर संकट ला रही है। नहीं तो खत्म कर रहा है राणा जी, ये मतलब ही नहीं होता आलू हमारा पिट जाए। आलू हम हमेशा बोलते हैं राजा था और राजा ही रहेगा, एक या हाइब्रिड आलू के चक्कर के अंदर जो है ये बाकी सारे आलू जो है उनको भरना पड़ता है। हाँ, और इस बार यही चीज़ हो रही है स्टोरों के अंदर, मैक्सिमम इन लोगों ने इस बार आलू जो है वो हाइब्रिड चला गया, जिस चक्कर के अंदर स्टोर ज़्यादातर पूरे ओवरफुल हो गए, और जो एक संकट कहते हैं ना, जो एक भरने का जैसे एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई कि स्टोर भर चुके हैं, ये हो गया, इतना माल घुस गया स्टोरों के अंदर, जो चीज़ हमको देखने को मिली है। तो जब तक हम उस आलू को पे रोक नहीं लगाएंगे हाइब्रिड पे, तब तक ये हमारे 97 जो मोट अच्छी बड़ी ब्रीडें हैं, जो क्वालिटी वाली ब्रीडें हैं, 97 हो गई, या आपके चिप्सोने हो गए, आपके सूर्य हो गए, आपके डायमंड हो गए, आपके LR हो गए, इनको इनका कहते हैं ना मुआवजा भुगतना पड़ता है।
ठीक है जी बात। एक लड़का कोई खराब हो जाए, एक परिवार का बंदा सदस्य, हाइब्रिड आलू राणा जी तो सारा परिवार का नाश मारा जाए। हाइब्रिड आलू राणा जी कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको आलू को कच्चे में निकाल दें, इसको पक्के की तरफ ना लेके चलें, क्योंकि जब इसको कोल्ड में रखने से बाकी आलू के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अगर हम इस बार की बात ही करते हैं, अगर हमारा हाइब्रिड आलू स्टोरों में ना होता, आज हम लोग भी गारंटी देते हैं और ये गारंटी आप भी दे सकते हो कि आज हमारे इन आलू के रेट सबके 200-200 रुपए, 300-300 रुपए ऊपर ही होते हैं, नीचे ना होते और ना ये स्टोर भरते। अच्छा, तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा। बाकी राणा जी अगर हम बात करते हैं टाइम की, मैं अभी कई चैनलों पर देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है, बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे, ये आ जाएगी वो आ जाएगी। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ राणा जी, क्यों किसी को डराना, क्यों किसी को डरा रहे हो? हाँ जी। उल्टे सीधे चैनलों के माध्यम से लोगों को मत डराओ, हमारे किसानों को मत डराओ, हमारे व्यापारियों को मत डराओ। राणा जी मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर नए आलू आने के बावजूद भी आलू बिकेंगे, बिकते हैं। ये आलू पिछली बार आखिरी जनवरी तक या स्टार्टिंग तक ये आलू बिके थे, और आलू बस मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे किसान भाई थोड़ी हिम्मत रखें और जो ये स्पीड चल रही है 120 25 30 गाड़ी की स्पीड से निकालते चले जाएं, आलू को आराम से निकलता चला जाएगा। किसी भी उल्टी सीधी अफवाहों में ना हो कि 15 दिन रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं, आलू लगना शुरू हो गया, पीछे ये हो गया वो हो गया। आप कहते हैं ना एक कुदरत और एक भगवान बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा ऐसे डर के रहना चाहिए। राणा जी क्या हाल हुआ है हिमाचल के अंदर, आप बड़े अच्छे से आप दिखा सकते हो, हर बंदे को पता है बहुत बुरी हाल थी। एक भी कहते ना, एक भी दुर्घटना घट गई, ये हम लोग आलू यहाँ नहीं पैदा कर रहे फड़ों पे, हम यहाँ नहीं पैदा कर रहे, ये आलू पीछे पैदा होने खेतों में। खुले आसमान के नीचे है, भगवान ने कहीं पे अगर मौसम को हेर फेर घूम गया मौसम में, तो भाऊ जी आलू कहीं का कहीं हो जाएगा। तो मैं वही चीज हमेशा से बोलता आया हूँ, स्टॉक मत इकट्ठा करो, लेकिन आलू को धीरे धीरे निकालते चले जाओ, ना लंबा उसको रोको और ना लंबा उसको कहते ना एकदम खड़े पैर एकदम सारा निकाल दो, कि बंदे को बाद में बंदा सोचे कि काश मेरे पास मौका होता। हाँ जी, हाँ टाइम के अनुसार जितना भी इनको टाइम दिख रहा है, क्योंकि अभी 1 से लेकर 10 तारीख तक के आसपास ऊना में और होशियारपुर में आलू लगना शुरू होना है। अच्छा, वो भी मौसम अगर साथ देगा तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर मौसम अच्छा निकलता है तो आलू लगता चला जाएगा, उस हिसाब से वहाँ पे आलू लगेगा, उस हिसाब से कैसे उसकी बुआई होती है, कैसा मौसम साथ देता है, गर्मी से आलू कोई खराब होता है, ब्लाइट की दिक्कत आती है, ये सब भगवान जानता है और ये हमारी कुदरत जानती है। अच्छा, तो भगवान की होनी बड़ी बलवान है, उल्टी सीधी अफवाहों में ना आए, हमेशा अपने पॉकेट और अपनी बुद्धि के हिसाब से चले। अगर हम किसान भाई को हमारे लगता है कि सही रेट पे आलू निकल रहा है, सही चल रहा है हमारा हिसाब किताब, आलू को निकाल लें। अगर उनको लगता है नहीं मैं आगे रुकना चाहता हूँ, ये मेरा आलू है, मैं चाहे मेरा बाद में बिके 2000 का, मेरा बाद में बिके 200 रुपए का, मेरे को संतुष्टि रहेगी, ठीक है, फिर वो रिस्क ले। मैं हमेशा से यही चीज बोलता आया हूँ। बाकी राणा जी कभी भी मैं आपको ये चीज बोलूंगा, ये लड़ाई खड़गी नजारा आ गया, बस अब ना देखो जी कार्ड दिखा दो। उनका नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99999-39604 999-39604। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया राणा जी। लड़ाई खड़गी दोस्तों दिखाऊंगा नहीं, ना गलत बात हो जाएगी, फिर आपको वो दिखा दूंगा जो मैं बोल रहा था, एक जगह पानी चू गया आलू में से, पानी निकल गया आलू के ढेर में से, वो दिखा दूंगा। ये देखो जी किसको होगा जी, किसका जी, सारे में से पानी कूद गया जी, इसमें से सारा जो पानी टपक गया जी इस आलू में से, और ये सड़ेगा फेंकेगा भी, ये बिल्कुल लूज हो चुका जी, ये सारा का सारा लूज हो चुका।